बेळगाव महानगरपालिकेमधून महापौर उपमहापौर यांची निवड केली नसताना अर्थसंकल्प जाहीर करण्यात आल्याने याचा निषेध करत आम आदमी पक्षाचे उत्तर विभागीय प्रभारी राजकुमार टोपणावर यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा काढण्यात आला आहे. बुधवारी शहरातील कन्नड साहित्य भवनमधून मोर्चाला सुरुवात करून जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ जाऊन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले आहे. बेळगाव शहरातील महानगरपालिकेची निवडणूक संपून 6 महिने उलटले असून देखील नवीन सदस्यांच्या स्वाक्षरीसाठी एकाही प्रतिनिधीला परवानगी देण्यात आलेली नाही व निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी निवडून आले तरी त्यांना डावलले जात आहे. हा लोकशाही व्यवस्थेतील मोठा कलंक असल्याचा आरोप यावेळी याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे. बेळगावी तकरीबन 6 महिने की ऊपर हुआ है कि महानगरपालिका का जो चुनाव हुआ है, 6 महीने के 6 महीने होने के बाद भी बीजेपी सरकार मेयर इलेक्शन और डिप्टी मेयर इलेक्शन का परमिशन नहीं दे रहे हैं, जिससे जो चुनावित जनप्रतिनिधि हैं, जो कॉरपोरेटर्स हैं, उनको महानगरपालिका के एक्टिविटी से दूर रखा गया है. अभी इसमें जो बीजेपी के जो यहाँ के एमएलए हैं वो और सरकारी अधिकारी जो है महानगर पालिके में, वो लोग महानगर पालिके चला रहे हैं. ऐसा लगता है कि एक एमएलए मेयर है और दूसरा एमएलए डिप्टी मेयर है. और ये जो आने वाला बरस का जो फाइनेंशियल ईयर है, अप्रैल से जो फाइनेंशियल बजट होता है महानगर पालिका से, उसका जो बजट ये लोग एलोकेशन करते हैं, उससे कॉर्पोरेटर्स को दूर रखने का जो इन लोगों ने एक गंदा साहस किया है, एक बहुत बड़ा शर्मनाक बात है. और ये प्रजा प्रभुत्व के जो डेमोक्रेटिक सेटअप में जनप्रतिनिधि को दूर रखकर ऐसा काम करने का, एक दिस इज अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. हम आम आदमी पार्टी से इसको कंडम करते हैं और हमारा ये प्रयास रहेगा और हमारा ये लड़ाई रहेगा कि हम आज बीजेपी गवर्नमेंट को हम लोग वार्निंग देने आएंगे. हम ये किसी भी हालत में जो बजट है विदाउट द लीडरशिप ऑफ मेयर एंड डेप्युटी मेयर हम करने नहीं देंगे. बेळगाव शहराची वाढ झपाट्याने होत असून गेल्या 16 वर्षांपासून येथे कोणतेही नवीन बांधकाम झालेले नाही. तरी बेळगाव शहरातील महानगरपालिकेमध्ये लवकरच महापौर व उपमहापौराची निवड करावी अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. यावेळी आम आदमी पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष विजय पाटील, अनिल सौदागर, अरुण टक्कन्नावर, शंकर हेगडे, प्रदीप पाटील सह अन्य उपस्थित होते. महादेव पवार, KNN सिटी न्यूज, बेळगाव.